नमस्कार, आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का अपडेट है छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग, इसके बारे में अपडेट करने के लिए बोल रहे थे कई दोस्तों द्वारा, तो उसी को लेकर आ जाए हैं। हम आपको बताएंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग अर्थात DSF सीजी पुलिस में क्या अपडेट अभी है, तो इसके बारे में हम आपको बताएं। तो DSF के 3736 पदों को स्वीकृति अब दी गई है, जिसमें पहले से ही सहायक आरक्षक के 3096 पद थे, तो सहायक आरक्षक के पद को अब समाप्त कर दिया गया है। उनको एक नया नाम दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स। 3736 पदों पर नया भर्ती नहीं की जाएगी, ये डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग नाम को चेंजेस कर दिया गया है। और जो सहायक आरक्षक थे उनकी एक तरह से ये संविलियन कर सकते हैं कि उनका संविलियन हुआ है, वो नियमित आरक्षक बन जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के कॉन्स्टेबल वो कहलाएंगे। चाहे और जिसमें आरक्षक के 3136 और प्रधान आरक्षक के भी इसमें कुछ पोस्ट हैं, तो इसी के बारे में पूछ रहे थे। इसकी भर्ती प्रक्रियाएं कैसी रहेगी, वेतन कैसे रहेगा और क्या क्या प्रक्रियाएं रहेगी, वो यहाँ पर आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ये पेपर कटिंग देख रहे हैं, जिसमें सहायक आरक्षक के पद को समाप्त कर दिया गया है। अब जिले में कुल 3736 पदों पर की जाएगी भर्ती। 3736 पदों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 3096 सहायक आरक्षक थे, उन पद को अब समाप्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर यहाँ पर बताया गया है डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के तहत आरक्षक के 3136, प्रधान आरक्षक के 460 और सहायक उपनिरीक्षक के 80 और उपनिरीक्षक के 40 और निरीक्षक के 20 कुल पद यहाँ पर हो गए हैं। अब इनकी वेतन विसंगतियाँ दूर हो जाएगी, अर्थात जिन्हें सहायक आरक्षक के रूप में वेतन जो भी मिल रहा था उन्हें अब नियमित आरक्षक के समान वेतन मिलेगा और सुविधाएँ मिलेगी, वेतन भत्ता मिलेगा और वो नियमित आरक्षक हो जाएंगे। तो अगर दोनों को आप अंतराल करते हैं तो इसमें लगभग 640 पद बच जाते हैं, इतना पद खाली है, जिसमें योग्यताएं क्या रहेगी, तो सेम योग्यताएं रहेगी। जैसे DF में जो योग्यताएं रहती है 8वीं और ज़्यादातर नक्सल एरिया से जो रहते हैं 5वीं और STSC में 8वीं और अन्य में 10वीं पास रहता है, तो इतना ही योग्यताएँ रहेगी इस पदों पर जब भर्ती की जाएगी। तो ये पुलिस विभाग की पुलिस भर्ती ही है, लेकिन ये विज्ञापन अभी नहीं निकाले गए हैं, ये पद को स्वीकृत किए गए हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा। हम जो भी बताते हैं इसमें आपको क्लेरिफिकेशन पूरी तरह से रहता है। ये सहायक आरक्षक के पद को समाप्त कर दिया गया और नए पद बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स, जिला पुलिस बल नहीं है ये, हम जिला पुलिस बल को DEF कहते हैं, और यह है DSF, डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स नाम दिया गया है संवर्ग, और DF का जो होता है वो जिला पुलिस बल संवर्ग रहता है। तो इस तरह से इतना ही जानकारी अभी अपडेट हुआ है, इसके संबंध में आगे जो भी अपडेट रहेगी हम आपको अपडेट दे देंगे।